हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल जे टू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके पहले थ्री पार्ट्स बन चुके, ये फोर्थ पार्ट है। तो इसमें पढ़ेंगे हम सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे कहते हैं? दीज आर ड्राई प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी। इसे हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल द्वारा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जिसे हम बोल सकते हैं मेथिल ऑरेंज, ऑफिनोफ्थेनिन, ईटीसी। अब मैथिल ऑरेंज किसे कहते हैं? तो मैथिल ऑरेंज, इट गिव्स रेड कलर्स। ये कैसा होता है? रेड कलर्स में देता है विद एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कैसा, कौन सा कलर होता है? रेड। एंड येलो कलर्स इन एल्कलाइन मीडियम्स। पढ़ेंगे फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, इट गिव्स रेड या पिंक कलर्स इन एल्काइन मीडियम्स। मतलब रेड और पिंक कलर किस में होता है? एल्काइन मीडियम होता है। बट रिमेन कलरलेस, जनरली तो क्या होता है? कलरलेस होता है इन न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम्स। एसिडिक मीडियम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब पढ़ेंगे ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर किसे कहते हैं? दिस सब्सटेंस हुज ऑडलर्स ऑड्यूर्स चेंज इन एसिडिक या बेसिक मीडियम्स और कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे कि मतलब एक ऐसा इंडिकेटर्स जो गंध है। क्या है? गंध है। जैसे ओनियन, वनीला, क्लो ऑयल्स ना, लौंग का तेल जिसे बोलते हैं, इस तरह का, इन सभी का गंध आता है ना ऑयल का। ठीक है, ये क्या है? इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस कैसे कहते हैं? इट इज अ इवलेशंस ऑफ बबल्स। ये कैसे होगा? बबल्स के रूप में होगा। ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल्स गैसेस प्रोड्यूज इन द लिक्विड्स। लिक्विड्स फॉर्म करेगा, जैसे कि आप बोल सकते हो वॉशिंग सोडा ना, स्पोम सॉल्ट, ये सभी क्या है? इफ्लोरेसेंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा याद करना बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ख्याल करना, यदि हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मतलब डाइल्यूट एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे ZN लेते हैं हम यहाँ पर H2SO4, तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसे FeSCl लेते हैं। ठीक है, तो FeCl2 बनेगा प्लस H2, इनको बैलेंस कर लेंगे या 2 लिख लेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। H2 इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। बिकम इट इज नॉट ओनली एन एसिड बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इट ऑक्सीडाइज व्हेन हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू ओनिडेक्स द नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन्स N2O, मतलब ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन्स। ठीक है, या बोल सकते हो NO या NO2। आगे देखेंगे यहाँ क्या होगा। यदि हम ZN प्लस HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनेगा ZnNO3 का होल टू एस प्लस N2 प्लस 5H2 निकलेगा। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह Cu8HNO3 तो बनेगा CuNO3 का होल टू एस, यहाँ 3 लगा लेंगे, 2NO प्लस 4H2O। मेटल सच एज जैसे कॉपर हो गया, Au, Ag, etc. विच बिलो हाइड्रोजन इन एसिडी एक्टिविटीज सीरीज डू नॉट इन्वॉल्व H2 विद द H2SO4 या HCl, इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये सबको अच्छे से सभी लोग बच्चे नोट्स कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।